आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार प्राइम टीवी उपचुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट दे रहा है। मैनपुरी से डिंपल यादव लीड कर रही हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उपचुनाव से जुड़ी हुई। मैनपुरी की सभी सीटों पर सपा आगे चल रही है, इस वक्त की बड़ी खबर है। रामपुर में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव लीड कर रही हैं। बड़ी खबर, मैनपुरी की सभी सीटों पर सपा आगे चल रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की उपचुनाव से जुड़ी हुई। रामपुर में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें, मैनपुरी से डिंपल यादव आगे चल रही हैं। लगातार डिंपल यादव बढ़त बनाई हुई हैं। बता दें, मैनपुरी की सभी सीटों पर सपा आगे चल रही है। रामपुर में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, जहां सपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। संवाददाता विवेक शाही का रुख करेंगे। विवेक, चुनाव हुआ था जिसकी मतगणना आज हो रही है, 3 सीटों पर चुनाव हुआ था, क्या नई तस्वीर निकल कर सामने आ रही है? बाकी 2 जगह रामपुर और खटौली में विधानसभा का उपचुनाव था। तो आज जो है मतगणना जो है सुबह से चालू है, और अब तक की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि इन तीनों उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपनी भरपूर पकड़ और बड़ी बढ़त बनाए हुए है। मैनपुरी लोकसभा की सभी विधानसभा सीटों पे, सभी सीटों पे डिंपल यादव जो है करीब 60,000 वोटों से आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज साक्य थे, और खटौली और रामपुर की अगर बात करें तो खटौली में भी जो सपा का गठबंधन है जिसके प्रत्याशी मदन भैया थे, वो 4,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। और रुख अगर करें रामपुर का, जहाँ पे 18% सबसे कम हुई थी, कल जो समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि रामपुर में वोट ही नहीं पड़ने दिए गए, वोटरों को लौटा दिया गया, उनके साथ बर्बरता की गई, मारपीट भी की गई। तो ऐसी स्थिति के बाद भी रामपुर में अब तक जो है समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी अपडेट यह है कि इस चुनाव में, कि तीनों उपचुनाव में जो है समाजवादी पार्टी जो है अपनी पकड़ बनाए हुए है, बहुत मजबूती से पकड़ बनाए हुए है, और तीनों सीटों पर मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से आगे चल रही है। मयूरी, विवेक, अभी उपचुनाव के नतीजे आए भी नहीं है, इससे पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। आसिम रजा ने तमाम आरोप लगाए हैं, निष्पक्ष चुनाव कराने तक की मांग कर दी है। जी देखिए, मैं जैसे ये उपचुनाव शुरू हुआ था मैनपुरी रामपुर खटौली का, तो समाजवादी पार्टी लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर ये आरोप लगाती रहती है। उसके बड़े से बड़े नेता ये आरोप लगाते रहे थे, उस गठबंधन के नेता आरोप लगाते रहे थे कि सरकार लगातार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, सत्ता में है सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में है, उसका वो दुरुपयोग कर रही है, और जो सीईओ वगैरह है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, कार्यकर्ताओं को काम नहीं करने दिया जा रहा है, उनके साथ बर्बरता की जा रही है, उनके कार्यकर्ताओं को जबरन पकड़ा जा रहा है, और बीएलओ की जगह जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो वोटरों के नाम दे रहे थे, और कुछ वोटरों के नाम वोटर इंटरने की भी खबरें आई थी। लेकिन इन सभी चीजों को आज दरकिनार करते हुए मतदान के दिन, आज जो मतगणना हो रही है, मतदान हो रहा है, कई सीटों के रुझान भी आ रहे हैं, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इन सभी को दरकिनार करते हुए समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी बढ़त जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बनाई हुई है। इन तीनों चुनाव में, चाहे वो मैनपुरी लोकसभा की सभी सीटें हो, जहाँ से डिंपल यादव करीब 60,000 वोट से आगे चल रही है, खटौली के मदन भैया 4,000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं, और रामपुर में जो आसिम रजा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना से अभी आगे चल रहे हैं। मयूरी, गौरव, विवेक माफ करिएगा, विवेक अगर हम बात करें मैनपुरी की, तो सबसे बड़ी लड़ाई मैनपुरी की मानी जा रही थी, तो अभी कितने राउंड में वोटिंग हो चुकी है और अभी कितने राउंड में होनी है? देखिए, करीब करीब 7 राउंड की वोटिंग चल चुकी है, 5वें राउंड तक भी जो है वो बढ़त बनाई हुई थी, 5वें राउंड तक जब बढ़त बनाई थी तो वो बहुत ज्यादा डिंपल यादव आगे थी, अभी डिंपल यादव कुल लगभग 60,000 वोटों से, 59,000 कुछ वोटों से वो आगे चल रही है, क्योंकि मैनपुरी की जंग सबसे बड़ी जंग है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस मैनपुरी का है, क्योंकि ये सीट है दिवंगत नेताजी की सीट है, और 1991 से जो है समाजवादी पार्टी का परचम जो है
यहाँ पे नारा रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी की सुनहरा मौसर ये मौका था और साम दाम दंड पे भारतीय जनता पार्टी ने सभी इस्तेमाल किए इस चुनाव के लिए, चाहे वो जाति गणित को साधने के लिए, आने वाले रघुनाथ साहब को प्रत्याशी बनाना हो, इस तरह की कई चीजें देखी गई दोनों पार्टियों द्वारा, जुबानी जंग भी हुए बड़े बड़े नेताओं द्वारा और कई आरोप प्रत्यारोप भी जो है पार्टियों ने एक दूसरे ऊपर लगाया। लेकिन ताजा अपडेट की हिसाब से अगर देखें तो डिंपल यादव भारी बढ़त जो है मैनपुरी से सभी विधानसभा सीटों पर बनाए हुए हैं और करीब 60,000 वोटों से वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज साके से आगे चल रही है। विवेक, सपा कांटे की टक्कर देते हुए नजर आ रही है सारी सीटों पर, तो क्या लगता है, क्या किन मुद्दों को लेकर या क्या वजह है जिससे सपा बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी से तीनों जो है सीटों पे बढ़त बनाई है और सबसे बड़ी बढ़त जो है मैनपुरी में है। मैनपुरी का पूरा चुनाव वो नेताजी के नाम पे समाजवादी पार्टी ने लड़ा था, ये विकास कार्यों के से ज्यादा वो सहानुभूति के लड़ थी, तो यहाँ तो पहले से भी लग रहा था समाजवादी पार्टी पे भारी लगेगी, भारी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी पे, और वो होता भी दिख रहा है क्योंकि नेताजी को सीट थी 1991 में मैनपुरी में जो है वो साइकिल चल रही थी, समाजवादी पार्टी का परचम जो है वो बुलंद था और ये गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का। तो जिस तरीके सभी विधानसभा सीटों पर मैनपुरी में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, जो वोटिंग जारी है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव आगे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सहानुभूति की लहर है, नेताजी की सहानुभूति की लहर है और समाजवादी पार्टी ने नेताजी के नाम पे ये चुनाव लड़ा था और मतदान करने के बाद जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि ये जो चुनाव होगा वही नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि होगा और नेताजी के मैनपुरी में किए गए विकास कार्यों को भी बतलाया था, लोगों को याद दिलाया था और गांव गांव जाकर समाजवादी पार्टी के लिए नेताजी के नाम पे वोट भी मांगा था अखिलेश यादव ने, और जिसके कारण ही यहाँ पे मैनपुरी में डिंपल यादव भारी बढ़त बढ़ाती हुई दिख रही है मयूरी। विवेक, अगर हम यूपी की सीट से थोड़ा हटकर बात करें तो आज गुजरात और हिमाचल में चुनाव हुए थे जिसके नतीजे आज आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जहाँ तक गुजरात की बात करें तो वो जो भारत के दो टॉप लीडर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दोनों का आईगढ़ है, दोनों का गृहनगर है और इस समय अगर गुजरात की बात करूँ तो 155 से ज्यादा सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, ये एक ऐतिहासिक बढ़त है क्योंकि अगर पिछले विधानसभा की बात जाए तो कुल 99 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे, बहुमत से कुछ 8 ज्यादा सीटें जीते थी, 182 सीटों पे इस समय 155 पे वो आगे चल रही है। और जब दंगा हुआ था 2002 में गुजरात में, उस समय भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी कुल 127 सीटों पे बनी थी, तो आज उस दंगे के 20 साल बाद जो है, क्योंकि नरेंद्र मोदी उस समय मुख्यमंत्री थे, इस समय प्रधानमंत्री है, तो 20 साल बाद जो है उनका जादू वहां पे कम नहीं हुआ है और ऐतिहासिक बढ़त 20 सालों में सबसे बड़ी बढ़त जो गुजरात में है अब तक दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और 155 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है आगे दिख रही है। अगर हम रुख थोड़ा हिमाचल की तरफ करें मयूरी, हिमाचल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे हैं, दोनों बराबरी पे है। अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन जो है लीड कर रहा है, कौन पीछे रह गया है, क्योंकि हिमाचल में लगता है कि ये जो ऊंट है वो किसी भी करोड़ बैठ सकता है। अगर बात करें चुनाव प्रचार की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा यहाँ भी जो है उपयोग में लाया गया, कई रैलियां भी की गई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उन रैलियों में शामिल थे, उन्होंने दो तीन रैलियां वहां भी की थी, दो बार वहां भी गए थे रैलियों करने के लिए, कई बड़े नेताओं ने रैलियां की थी, जबकि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा पे थे तो हिमाचल में चुनावी रैली करने नहीं गए थे, प्रियंका गांधी वहां पे चुनावी रैली करने गई थी। और जो मुद्दा था कांग्रेस का विकास में वो ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा था, पुराना मुद्दा था, विकास का मुद्दा था, जो सेब उत्पादक है, जो सेब निर्यातक है उनका मुद्दा था और कई तमाम तरह के जो मुद्दे थे, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे वो हिमाचल में जो है बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे वो सेब उत्पादक का मुद्दा हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का मुद्दा हो, तो जेन्युइन मुद्दा कांग्रेस की पार्टी ने उठाया था और लोकल स्तर पे अपने चुनावी प्रचार किया था, छोटे छोटे लोगों को भी लेकर चुनाव प्रचार करते थे, तो बॉन्डिंग अच्छी दिखाई थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने, जिसका फायदा हिमाचल में कांग्रेस को मिलता दिख रहा है मयूरी। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए।
अब तक के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।